संकल्प सभा इमामगंज में किया गया है और सभी कार्यकर्ता ने आज संकल्पित हुए हैं, सब संकल्प लिए हैं कि इमामगंज के विकास में हम लोग लगेंगे। हम के जितने कार्यकर्ता हैं सब लोगों के घर घर जा करके लोगों की समस्या सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे। इमामगंज को एक मॉडल विधानसभा के रूप में हम लोग विकसित करना चाह रहे हैं, क्योंकि इमामगंज के पूर्ण प्रताप से, इमामगंज के महान जनता के आशीर्वाद से हमें मौका मिला है, हम पार्टी को मौका मिला है कि हमको काम करने के लिए मौका मिला है कि हमारे संस्थापक और जो हमारे संरक्षक हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी को भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में मौका मिला है। एक बढ़िया मौका है और हम लोग चाहते हैं यहाँ विकास के रूप में, विकास रूपी गंगा बहरा करके यहाँ की जनता को हम लोग वो उपहार स्वरूप दें। यहाँ के कैंडिडेट को देखिए, अभी इसका विचार नहीं हुआ, जब विचार होगा तब बता दिया जाए। सिर से बोलिए ना, खाना बोलिए, क्या कहना है। देखिए, ये सभा हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने हमारे स्वागत के लिए भी किया, और दूसरी बात है कि अभी चुनाव उपचुनाव होने वाला है, तुरंत ही नोटिफिकेशन होएगा, एक सप्ताह दो सप्ताह के अंदर। तो इस चुनाव में अनेकों लोग अपना इधर उधर करेंगे, तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ताओं ने भी सोचा कि एक साथ मिल करके हम लोग भी संगठित हो करके लोगों की बात सुने, और हम लोग ने भी कहा कि भाई क्या किया है यहाँ के लिए और क्या करेंगे। सब बातों की चर्चा करते हुए हम लोगों ने ये कहा कि एक भारत सरकार के मंत्री और एक बिहार सरकार के मंत्री जब आपके काम का गारंटी लेता है, तो इससे ज़्यादा अगर कोई गारंटी ले तो आप लोग कीजिए, और नहीं तो फिर कड़ाई साहब को वोट दीजिए। वही तो अभी कर रहे हैं, कड़ाई छाप यहाँ चुनाव लड़ेगा, लोकल चुनाव लोकल लोग आएंगे या फिर पैरासूट, वो सब हम लोग आपस में विचार कर लेंगे, जो भी होगा कड़ाई छाप का। वोट का मामला चर्चे में चल रहा है सर, क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या वोट का मामला चर्चे में चल रहा है, उस पर क्या? वो तो भारत सरकार ने उस पर अपना एक्शन लिया है, उसमें बहुत सा वक्त के नाम पर लोग बहुत तरह की बाएं बाएं बात बोल रहे थे। वक्फ के कार्यों में सुधार हो, अच्छा लोगों को, गरीब लोगों को फ़ायदा हो, इस विचार से वक्फ बोर्ड ने नया कानून लाया है, वो कानून अच्छा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो जो गरीब तबके के जो हमारे माइनॉरिटी के भाई लोग हैं और वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो व्यक्तिगत लोग लाभ ले करके इधर उधर जो करते हैं, उनसे निजात मिलेगी। और सर, क्या अभी तो दिया तो कि जब गया से डाल्टेनगंज रेलवे लाइन लगभग 426 करोड़ रुपया का सैंक्शन हो गया, ये सौगात नहीं है क्या है? फिर उसके अलावा हमने कहा हमारा विभाग में टेक्नोलॉजी सेंटर होता है 200 करोड़ का, फिर शेड्यूल कास्ट हब होता है वो भी 100 करोड़ का होता है, ये दोनों का वादा किया कि हम साल डेढ़ साल के अंदर ये कराएंगे, तो 300 करोड़ रुपये का सौगात तो ये दे दिया और 426 करोड़ रुपये का वो दे दिया, 800 करोड़ का सौगात तो देखे जा रहे हैं। जिला का मांग रहा है सर, अब उसके बारे में हम अभी नहीं कह सकते चूँकि हम बिहार के नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर हम मानते हैं कि इमामगंज ऐसा जो क्षेत्र है, ऐसा बहुत जगह क्षेत्र है, प्रखंड है, जो जिला बना है, सीवर है, और लोग सीआरपीएफ यहाँ से चली गई है, नहीं जाएगी, उसके जगह पर आएगी सीआरपीएफ। उसके बारे में तो कहा हम कि हम आपको इमामगंज मोड़ से लेकर के कोठी होते हुए सड़क तक के डबल रोड बनवा देंगे। हाँ ठीक है।